हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यह चैनल। सो यह आज हम यह बात करेंगे कि आप ये प्लस टू के बाद इसरो में यह कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपने यह प्लस टू में साइंस स्ट्रीम चूज़ की है, यह विद यह फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो आप यह प्लस टू के बाद इसरो में यह कैसे जा सकते हैं। तो प्लस टू के बाद इसरो में जाने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि यह एडमिशन इन यह IIST, जो कि हमारे पास है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड यह टेक्नोलॉजी। तो आप यह IIST में कैसे एडमिशन ले सकते हैं एंड जो इसकी प्रीवियस ईयर यह कट ऑफ थी उसके बारे में हम सभी डिस्कस करेंगे। सो यह फर्स्ट ऑफ ऑल जो यह IIST है वो हमें बीटेक प्रोग्राम, सो बीटेक यह प्रोग्राम जो कि 4 ईयर, बीटेक के दो यह प्रोग्राम इसमें होते हैं। एक है इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दूसरी है इसमें एवियोनिक्स। तो ये दोनों प्रोग्राम्स हैं एंड थर्ड इसमें जो प्रोग्राम है वो है 5 ईयर डुअल डिग्री, सो बीटेक प्लस मास्टर्स। तो ये तीन जो यह कोर्सेज हैं जो कि यह IIST में हम यह एडमिशन इन तीन कोर्सेज में यह हो सकती है। तो अब इसके बाद जो इसका यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें जो सीट्स होती हैं, सीट्स जो इसमें बीटेक के दोनों प्रोग्राम्स हैं उसमें हमारे पास यह 60-60 होती हैं सीट्स, एंड जो डुअल डिग्री है प्रोग्राम उसमें हमारे पास 20 होगी सीट्स। तो इसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप ये IIST के बीटेक प्रोग्राम के लिए आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई, एंड जो डेट ऑफ बर्थ है वो होगी आपकी के हैज़ बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1993। सो इसके बाद है कि यह क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो हमारा यह क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है जो इसमें मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि 75% एग्रीगेट मार्क्स इन द क्लास यह प्लस टू। तो आपको 75% मार्क्स एटलीस्ट इसमें अपनी यह प्लस टू के एग्ज़ाम में से आपके 75% एग्रीगेट मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो जिनमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड साथ में दो जो भी यह सब्जेक्ट होंगे उन यह सभी के मार्क्स का आपका 75% होना चाहिए। तो इसके बाद है एलिजिबिलिटी के आपको इसके साथ JEE एडवांस के स्कोर्स यूज़ करने हैं। तो JEE एडवांस के थ्रू ही इसमें आपकी एडमिशन हो सकती है। सो JEE मेंस एग्ज़ाम के बाद जो JEE एडवांस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको अच्छे स्कोर करने होंगे अगर आप यह IIST में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जनरल के लिए क्या है कि एटलीस्ट यह 20% एग्रीगेट मार्क्स एंड एटलीस्ट 5% इन ईच ऑफ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सो JEE एडवांस में आपके एटलीस्ट यह 20% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, विद ईच सब्जेक्ट में 5% मार्क्स भी साथ में होने ज़रूरी हैं। बट अगर आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वहाँ पर एडमिशन हो जाएगी, यह काउंसलिंग होगी, रैंक्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर सीट्स होंगी फिल। तो इसके बाद है कि आप इसकी डिटेल्स को JEE की यह साइट पर भी यह चेक किया जा सकता है, एंड इसमें आपको स्कॉलरशिप भी यह प्रोवाइड होती है। वो सभी कुछ आप इनकी ऑफिशियल साइट से इसके अकॉर्डिंग फुल इंफॉर्मेशन रीड यह कर सकते हैं। यह IIST में एडमिशन के लिए आपको यह IIST की साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यह करवानी होगी। तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपके JEE के स्कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी वहाँ पर यह एडमिशन हो सकती है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमारी 22 मई से लेकर 5 जून तक होगी।
तो ये आपको डेट्स को याद रख लेना है, एंड ये उनकी ऑफिशियल यह साइट्स है, admission.iist.ac.in। इसके बाद क्या है कि जो यह प्रीवियस ईयर 2017 में जो JEE एडवांस के स्कोर्स पर जो एडमिशन हुई थी उसके बारे में हम डिस्कशन यह करते हैं। तो बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जनरल के लिए ओपनिंग मार्क्स थे यह 64 एंड यह क्लोजिंग मार्क्स थे इसमें 53। सो 53 से लेकर 64 तक अगर आपके मार्क्स थे तो वहाँ पर एडमिशन हो गई थी। इसके बाद है बीटेक एवियोनिक्स में भी 52 से लेकर यह 60 तक हो गई थी एडमिशन, एंड जो हमारा डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसमें भी ऐसे ही थे मार्क्स। तो आपको JEE एडवांस में 50 से लेकर यह 60 तक मार्क्स यह स्कोर करने होंगे अगर आप यह IIST में एडमिशन यह करवाना यह चाहते हैं। थैंक यू।